Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. ऑफिस से आपका फोन आ रहा था, आज रहमान भी है। सलामकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक बात करनी थी आपसे। जी कहिए। कोई है बहुत पसंद करता है आपको, इतना ज्यादा कि मुझे लगता है आपके बगैर रहना मुमकिन नहीं उसके लिए। ऐसी कोई बात है तो उनसे कहें कि मुझे खुदा की बात कर लें। आई लव यू। आपको बताना चाहिए था कि आप वजाहत हुसैन चौधरी साहब की बहू। आप यहाँ से जाइए, मेरे अब्बा की दुकान बहुत करीब है। आप नहीं रहती? जी। तो मेरे काम कीजिए ना, मेरी गाइड बन जाए। मैं और करीब नहीं आ सकती तुम्हारे यहाँ। और करीब नहीं आ सकती क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ प्रोफेसर साहब की नजर में बीवी हूँ तुम्हारी। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, मुझे इस कमरे में अभी नहीं ठहरना है, प्लीज। तो मुझे बाहर। कहाँ गई थी? मैं जैसी भी हूँ, तू जो भी समझती है, हूं तो तेरी मां। तू अपने बाप के साथ मिलके मेरा मजाक उड़ा ले, जुकते मार ले, पर मेरा दिल तो एक मां की तरह ही जलता है तेरे लिए। तेरी जरा सी परेशानी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, तो बता ना। ना तो मैं बुरी हूं ना बेवकूफ। अगर तेरा किसी और के साथ। कैसी बातें कर रही? तो एक लड़की छुप के घर से क्यों निकलती है? क्योंकि वो इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती। सवाल तो तेरी खामोशियां, तेरी हरकतें खुद पैदा करती हैं। अम्मा देखिए, जो सच है ना वो मैंने आपको बता दी। जब आपने जो उसके साथ किया है ना, उसकी माफी मांगने गई थी। कलकला को रिश्ता जुड़ता है तो उसके दिल में कोई बात ना रह जाए। खा अपने बाप की कसम, मैं शायान के सिवा और किसी से मिलने नहीं गई थी। मुझे अब्बा जी की कसम है, मेरा किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं भागूंगी। आपको भी अब्बा जी की कसम है, आप मेरा यकीन कर लें प्लीज। Thank you.
माजरा कहां गई थी? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन गिर गया था। और ये कपड़े किसके पहने हुए तुमने? मायरा के। मायरा के क्यों पहने हुए? तुम्हारे अपने? नहीं, कीचड़ में गिर गई थी, गंदे हो गए थे कपड़े, इसलिए मायरा के पहन लिए। अब मैं अंदर जाऊं? उधर खाना खा ले। अब्बा जी मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है मुझे। अब्बा जी पर मुझे तो भूख है ना पुत्र। आप खा ले। तो ठीक है, जब तुझे भूख लगे तो मुझे भी बुला लेना। लाया पुत्री, देर हो गई है। यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो गई थी। किससे? एक लड़के से। क्यों? वो बजी कोई बदतमीजी करता है तो आपको पता है मैं कहाँ छोड़ती हूँ। है कौन वो? बस वो मेरी लड़ाई थी, मैंने अपने तरीके से जवाब दे दिया। आप ही मुझे बता दें फिर, इंशाल्लाह उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपसे बदतमीजी दिखाए। तमीज से भी वो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं अब यूनिवर्सिटी जाऊंगी नहीं। पुत्री शानी बेटा आ जाओ, मैं खाना ही लगा रही थी। पानी रखो जल्दी से और खाना गरम करके ले। जी बाजी। हाँ जल्दी करो।
हेलो घर पहुंच गए आप खैरियत से? जी डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं मैं असल में आपकी कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। क्यों? आपको लगा होगा कि मेरी हैरत हर्ट हुई आपको सच जानकर। जी कुछ ऐसा ही सोच रही थी क्योंकि दुनिया की सबसे नाजुक चीज ही मर्द की गैरत होती है। औरत के दुपट्टे से भी ज्यादा नाजुक और फर्ज है। कभी कभी मुझे मर्दों पे बड़ा तरस आता है, बड़े डिपेंडेंट होते हैं हम औरतों पे। जो करे औरत करे, अपना दुपट्टा भी संभाले और मर्द का शमला भी ऊंचा रखे। बोलती रहे, अच्छा लग रहा है सुनना। मैंने तो जो बोलना था बोल दिया। आप बताएं आपने क्यों कॉल की है? मेरे पास कहने को कुछ ज्यादा नहीं आ रहा, बस इतना ही है कि पहले मुझे आपसे मोहब्बत थी लेकिन अब आप मेरे लिए मोहतबर भी हो गई। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल हीरो नहीं हूं, बस आम सा इंसान हूं जिसे मोहब्बत हो गया। पता नहीं आपको यकीन आएगा कि नहीं, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं यस आई लव यू। क्यों अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाने पे तुले हुए? कैसे रहोगे एक ऐसी लड़की के साथ जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती? आप और पापा भी तो रह रहे हैं, आप मुझसे प्यार करती हैं और पापा साथ रहने पे मजबूर हैं। नहीं, हम दोनों रहने पे मजबूर हैं तुम्हारी मोहब्बत में। तुम नहीं होते ना तो शायद हमारी अलहदगी हो चुकी होती। हमारे बीच भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। अच्छा तो तुम हमारी तरह जिंदगी गुजारना चाहते हो, बल्कि हमसे भी बुरी। हम दोनों के बीच में कोई स्टेटस का चक्कर है ना कोई कॉम्प्लेक्स। मैं आपको बता चुका हूं उसका दुख क्या है। तुम्हें लगता है तुम निकाल पाओगे उसको इस दुख से? नहीं निकाल पाया तो उसके साथ रह लूंगा उसके दुख में। शानी देखो बेटा, ऐसी लड़कियां कुछ खास किस्म के नफ्सियाती मर्ज में मुबतला होती हैं जो खुद को नहीं निकाल पाती सारी जिंदगी इसमें से। हर आदमी किसी ना किसी नफ्सियाती मर्ज में मुबतला होता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शानी, तुम अपनी जिंदगी क्यों झोंक रहे हो एक ऐसी लड़की की जिंदगी में कि जिसके बाद शायद तुम कुछ ना कर सको। आखिर करना क्या है मुझे? तुम्हें अच्छे से पता है तुमने क्या करना है। मैं कोई नासा में काम करता हूं जो मुझे चांद पे कदम रखना है? इस किसे पिटे सिस्टम में मुझ जैसा इनकॉम्पिटेंट सिविल सर्वेंट अगर ड्रॉप हो जाए तो और भी अच्छा है। मेरे लिए इतना ही काफी नहीं कि कम से कम एक इंसान को तो संभाल लूं। गलती हो गई पुत्री,
मुझे लगता है कि मैंने फैसला जल्दी में कर दिया। क्या करूं, हालात ही ऐसे हो गए थे। अब्बा जी एक बात बताएं, ये जो सब लोग मेरे बारे में कहते हैं आपको भी ऐसे ही लगता है? ना पुत्री, बस अब्बा जी मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय आपके एतबार के। पता है मैं हर किसी से लड़ सकती हूँ, पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है सिवाय आपके। पुत्र मैं तेरे लिए नहीं लड़ सका, मैंने तो एकदम हार मान ली। मैं सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि अपने सीने में उस मुकद्दस किताब को भी जवाब दे हूं। इसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा मत काटो। अब्बा जी एक रिश्ते की बात पे आप इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं? तो इतनी बड़ी बात है ना पुत्री, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी के साथ जिंदगी गुजारने पे मजबूर करना उसको जिंदा दफन करने के बराबर ही तो है। नहीं नहीं अब्बा जी नहीं, आप इतना परेशान नहीं हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अफसोस होता है बहुत, हम जहां रहते हैं हम लोगों ने कुरान को सिर्फ सवाब का सर चश्मा समझ रखा है, उससे हदायत ही नहीं लेते। यहाँ इज्जतदार वही है जो बस उसकी तिलावत करे या करवाए, लेकिन उसके मानी और मफहूम समझकर जिंदगी गुजारना में बहुत मुश्किल लगता है। पुत्री वैसे ही जैसे 1500 साल पहले लगता होगा, वही जहालत, वही रवायतें, ताने, तोहमतें। कुरान तो बंदे को आजाद करता है और उसे रब सोने की इताअत में लाता है, मगर हम चाहते हैं कि बंदा हमारी इताअत करे। महल्ला, बरादरी, हर कोई लाठ लेके पीछे पड़ जाता है, गामे मोची से लेके नजीर पटवारी तक, शब्बीर हवलदार से लेके चौधरी जब्बार तक, सब उच्ची नाकें, लंबी जबाने, उच्ची पगड़ियां और शिमले। नाम अल्लाह और उसके रसूल का, और कानून अपना। और तो और मैं तो तेरी माँ और तेरे भाई की झूठी इज्जत और गैरत से भी नहीं लड़ सका। नहीं अब्बा जी, आप तो सारी जिंदगी सबसे लड़ते आए मेरे लिए। नहीं पुत्री, जहां मुझे वाकई लड़ना चाहिए था वहां मैं डर गया। हाफ़िज़ इलियास डर गया अपनी सफेद पोशी को बचाने के लिए। और अपनी इकलौती जान से प्यारी बेटी का हाथ एक बदमाश के हाथ में दे। बदमाश नहीं है वो,
बहुत अच्छा आदमी है वो बाजी, अच्छा है वो। यार जोड़ा दिखा है उसका, कितना अच्छा लग रहा है, कितना उठ रहा है कन्हू, है ना? सिर्फ भाई बहुत ही बेशरम बंदा है, थप्पड़ खाकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे थप्पड़ मारकर उसने अपना बदला ले लिया। मोहब्बत में कामयाब वही होता है जो थप्पड़ सहता है। भाड़ में गया भाई ऐसा प्यार। जो भी हो, जोड़ी बड़ी सोनी है देखने में। लड़का तो अंधा होगा, क्या उसके माँ बाप भी अंधे हैं? मुझे तो लगता है कोई तावीज़ शावीज़ पिलाया होगा, तभी तो यूं बावला बावला हुआ फिरता रहे। हो सकता है लड़के में कोई फॉल्ट शॉल्ट हो, इसीलिए तो गरीब घराने से लड़की लेके आया। अब तुम जलन में ना खाम खा के अंदाजे ना लगाई जाओ। मैं क्यों जलूंगी, मेरा कौन सा वो कोई बॉयफ्रेंड है जिसे हाजरा ने मुझसे छीन लिया है। पहली बात तो ये है कि घराना कोई छोटा नहीं है, अगर डिफेंस की बजाय अंदरून शहर में घर है तो उससे कुछ छोटा नहीं हो जाता। और अगर प्रॉपर्टी का हिसाब लगाया जाए तो हाजरा के घर की कीमत कहीं ज़्यादा ही होगी, और अगर हलाल कमाई पे जाओ तो हाजरा का हलवाई बाप एक सेक्रेटरी से कहीं ज़्यादा ही कमा लेता होगा। भाई तुम तो ऐसे उसकी फेवर में बोल रही हो जैसे तुम ही ने करवाया हो ये रिश्ता। अगर दो प्यार करने वाले मिलते हैं तो खुश होना चाहिए। बस कर दो राबिया, उन दोनों में से एक प्यार करने वाला है, दूसरी सिर्फ बटोरने वाली है। तुम्हें क्या पता कि उनका क्या ताल्लुक है? लो भाई इतना तो हम जानते हैं, पूरा एक साल रही है वो हमारे साथ। कहाँ से वो तुम दोनों को बटोरने वाली लगती है? सारी तो तनख्वाह वो बच्चों पे लगा दिया करती थी, रोज़ ही तो कुछ ना कुछ लेके आई थी, कभी ये कभी वो। लगता है तुम्हें भी कुछ खिला के ही आई है, इसलिए तो बात बात पे शील बांट रही हो उसको। हाँ सभी हाँ, उसने मुझे भी कुछ खिला दिया है, और उसने मुझे वो चूरन खिलाया है जो मेरे पास भी नहीं था। उसने मुझे ये सिखाया है कि वही रिश्ता कामयाब होता है जिसमें एक औरत की इज्जत हो। लो देखो इसको क्या हो गया, इतनी रूड क्यों हो रही है ये? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं बस वैसे ही। वो मैं आपसे मिल सकता हूँ आज? क्यों खैरियत? कुछ लौटाना है आपका। जो गलती की है वो ठीक करनी है। It's okay. इसकी जरूरत नहीं है। Please. शहर में एक जगह थी, गुजर गई। आप गुजर गए लेकिन मैं नहीं गुजरा। प्लीज
क्या हम आप दोनों को एंगेजमेंट की मुबारकबाद दे सकते हैं? इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल। लेकिन उस दिन उस इवेंट के बाद मुझे तो नहीं लगता था कि आप दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि इन्होंने मुझे माफ कर दिया। चलें अब आज तो इस चीज का खुलासा कर ही दें कि ये रिलेशनशिप स्कूल में आने से पहले का था या बाद में शुरू हुआ। रिलेशनशिप मेरा कुछ नहीं था, इट वाज ऑल जस्ट वन साइडेड। एक्चुअली मेरी वजह से तंग आके इन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ी और मैं ही इनके पीछे स्कूल में आ गया। एंड आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों से छुपाया और वॉलंटियर होने का ड्रामा किया। यहाँ भी मेरी वजह से परेशान होती रही, लेकिन कभी किसी से कुछ कहा नहीं। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में औरत की कंप्लेंट उसके अपने गले में पड़ जाती है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इनके घर वालों को पता चला और जैसे गैरतमंद फैमिली रिएक्ट करती है, मेरे पेरेंट्स से बात हुई और वही बात कि औरत की कंप्लेंट उसके अपने गले पड़ जाती है। हमारी फैमिलीज आपस में मिली और मैं इनके गले पड़ गया। हाँ जो ये ठीक कह रहा है कि वाकई ये आपके गले पड़ चुका है। अगर ऐसा है तो फिर तो ये फोर्स मैरिज हुई ना, क्यों राबिया? बिल्कुल, हम दोनों तो बल्कि आप लोगों से एंगेजमेंट की ट्रीट मांगने वाले थे। हाँ प्लीज, जब आप लोग चाहें प्लीज। नहीं नहीं, अभी आप दोनों अपने रिश्ते को सेटल करें। लेकिन कुछ मैं सेटल करता हूँ, कुछ आप सेटल कर दें। मतलब हम क्या कर सकते हैं? ये उन बच्चों को बहुत मिस कर रही हैं जिन्हें छोड़कर गई थी। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे यहाँ जॉब दिलवाने के लिए लाए हैं। इट्स नॉट अबाउट द जॉब, इट्स अबाउट बीइंग विद द लव्ड वंस। आप इन्हें फोर्स थोड़ी करें। नहीं हाजरा, बच्चे वाकई में तुम्हें बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल, और हम तो चाहेंगे कि आप वापस आ जाए। वेरी गुड, सॉर्टेड, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। आप मुझे बताइए कि आप हमें कब से ज्वाइन कर सकते हैं? जब आप लोग डिसाइड करें। हम तो चाहेंगे जल्द से जल्द। क्या करना चाह रहे हैं आप? शायद इंप्रेस। और कितना? मेरा बस चले ना, तो दुनिया की हर चीज ला के आपके कभी। ध्यान से, को पीछे था। अरे सॉरी मतलब मुझसे गलती हो गई। आपका जो भी नुकसान हुआ मुझे बता दे, मैं सारा कुछ पूरा कर दूंगा। आप मुझे बताएं आपका कितना नुकसान हुआ है? मैं कर देता हूँ पूरा। मैं भिखारी नहीं हूँ जो मुझे पैसे दिखा रहे हो। मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ, मुझसे गलती हुई है। आपका जो भी, मैं सिर्फ नुकसान पूरा। लोग समझते क्या हो? क्या समझते हो तुम लोग? ये सड़क तुम्हारे बाप की है जो तुम इस तरह गाड़ी चला रहे हो। मैंने आपसे कहा है मुझसे गलती हुई है, मैं आपको नुकसान पूरा कर देता हूँ। अगर मेरी टांग टूट जाती तो कौन जिम्मेदार था? आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? माफी मांग रहे हैं आपसे, आपका नुकसान पूरा कर रहे हैं। आप आगे से बात को बढ़ा रहे हैं, बहस कर रहे हैं। क्या जल्दी है मैडम आपको? शॉपिंग से देर हो रही है या मूवी का टाइम निकल रहा है? आपने जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए, आप प्लीज गाड़ी में बैठे। हाँ हाँ, आप गाड़ी में बैठिए। क्या फायदा ऐसे कीड़े मकोड़ों से मुंह लगने का? हम तो रोज इनको कुचल कर चले जाते अपने पीसों के साथ। अब आप बाहर नहीं आएंगे। आप रहने दें, मैं आप आगे देखें फिर कहीं लग जाएगी वो। मेरी वजह से और कितने लोगों से लड़ेंगे आप? मैं तो आपसे लड़ रहा हूं आपके लिए, दूसरे लोग तो बीच में आते हैं। रहने दें, मैं इट्स ओके। आप देखिए यहाँ तो सही सी गाड़ी चले।
उस दिन शायन ने तुम पर एक दफा भी हाथ नहीं उठाया था क्या? तुम्हारी जो लड़ाई हुई थी शायन के साथ, उसने तुम्हें एक दफा भी नहीं मारा? वो मुझे मारेगा। लिहाज किया उसने तुम्हारा? मरवा दिया ना। आप ही मेरी बात सुने, मेरे उन थप्पड़ों की वजह से ना वो जिंदगी भर आपका लिहाज करेगा, 10 मरतबा सोचेगा आप पे हाथ उठाने से पहले। वो उन लोगों में से नहीं है जो औरतों पे हाथ उठाते हैं। और तुम्हें पता है उसने आज मेरे सामने किसी की उससे भी बुरी हालत की है। होगा कोई बेचारा? बेचारा नहीं था, बॉडी बिल्डर था, अच्छा खासा था। आइंदा से ख्याल करना तुम। जवाद आ रहा हूं अम्मा। जवाद। अम्मा मैंने सुन लिया, मैं आ रहा हूं। कितनी मर्तबा कहा है तुम्हारे अब्बा को कि दुकान से किसी को भेज दिया करें, इस हड़ाराम की तो मिनते कर करके थक जाती हूँ। उठ जा जवाद। क्या बनाया आज उनके लिए? हाँ मत खोलो इसको, ठंडा हो जाएगा। आलू कीमा बनाया, इधर रखा है, यहाँ से ले लो तुम। और ये बीच वाले खाने में क्या है? रोटी है और क्या होगा। और सबसे नीचे? सलाद बनाती थी लेकिन आज इस हड़ाराम ने लाकर नहीं दी, इसलिए खाली है। तो अम्मा खाली डब्बा भेजने से बेहतर है कि आप उसमें एक चिट्ठी रख के भेज दें। चिट्ठी क्यों? भाई अब्बा से पूछे ना कि उन्हें खाना कैसा लगता है आपके हाथ का। जो कीमा आपने पहली मर्तबा बनाया था उसका टेस्ट वैसे ही है या उससे अलग है, कुछ तो पता चले। दुआ ने क्या पिला के भेजा है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? अम्मा मैं ना दुआ के घर नहीं गई थी, झूठ बोला था। तो मैं शायान के साथ गई थी, शायान मुझे स्कूल लेके गया था, उसने सबके सामने माफी मांगी। अब मैं जा रही हूँ अब्बा की शॉप पे उनको खाना। सुनो इसको छोड़ो, मुझे बात बताओ पूरी। बात पूरी ये है अम्मा कि शायान ने मेरी स्कूल में फिर से जॉब लगवा दी है। उठ जाओ तुम, शर्म करो, बहन गई है लेकर। जब देखो फोन में गुस्सा रहता है।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान अशरफ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड जबरदस्त कॉन्टेंट।